गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बेसिक्स बाय डॉक्टर चारु सिंह। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे व्हाट इज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है, इसकी डिस्कवरी या खोज कैसे हुई। देखिए, एंटीबायोटिक इसके नाम से समझिए, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। लाइफ की बात हम यहाँ अगर माइक्रोबायोलॉजी के टर्म्स में कर रहे हैं तो लाइफ मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में है वही होती है एंटीबायोटिक। आप जानते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं एंटीबायोटिक लेना है, आपको इसका पूरा कोर्स करना है, तो ये वही एंटीबायोटिक है। बीमार आप क्यों पड़ते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है, तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। तो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज़ की जाती है। अब ये एंटीबायोटिक आती कहाँ से है, सोर्स क्या है, उत्पत्ति कैसे होती है इसकी, तो आप ये बात अच्छे से जान लीजिए। एक एंटीबायोटिक का सोर्स भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। तो एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने या किल करने के लिए काम आता है। ये हो गई एंटीबायोटिक क्या होती है उसकी बात। अब पहली एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक कब रिपोर्ट हुई, उसकी डिस्कवरी कैसी हुई, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो रिपोर्ट की गई या बताई गई, बनाई गई, वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप सबने उनका नाम सुना होगा, उनके द्वारा की गई। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी फर्स्ट, इसकी डिस्कवरी इन्होंने 1928 में की। इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। 7 वर्ष की एज में इनके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद इनको डॉक्टर बनने का शौक था, तो इन्होंने MBBS की डिग्री की। MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी से BSc की। उसके बाद ये लेक्चरर बने, फिर एक यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर बने बैक्टीरियोलॉजी के। फिर जब ये एक बार अपनी लैब में काम कर रहे थे एक दिन, तो ये अपनी लैब में बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। तो बैक्टीरिया जो अपनी लैब में, इनके पैट्री प्लेट्स थी, पैट्री प्लेट कांच की प्लेट्स होती हैं, उन कांच की प्लेट्स में इन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई हुई थी। तो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए ये उन प्लेट्स को बंद करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब ये वापस आए, तो इन्होंने सोचा कि जब ये बैक्टीरिया को बंद करके गए थे उन प्लेट्स में, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी होगी, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप को बहुत जल्दी डबल कर लेता है, 2-2 से 4, 4 से 8, और बहुत जल्दी ये डुप्लीकेशन करते हैं बैक्टीरिया। तो उन्होंने सोचा कि इन दिनों बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। पर क्या हुआ, इन्होंने ये पाया वहाँ आके कि बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया की संख्या बहुत कम थी, पर उनके साथ में कुछ ग्रीन कलर का फंगस लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा। तो तब उनको नहीं पता था ये फंगस है, आगे जाके उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि ये एक फंगस है। इस फंगस ने क्या किया कि उस प्लेट में जितनी बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो उसको उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो अचानक से पदार्थ उत्पन्न हुआ है, उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। आगे जाके उन्होंने रिसर्च की तो पता चला ये फंगस है। फंगस भी कौन सी फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है, तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे उसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको पूरा पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हाँ, तो उन्होंने क्या पाया कि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई, किल हो गए बैक्टीरिया या बहुत कम हुई। तो फिर उसके बाद उन्होंने उस फंगस को, पेनिसिलियम नोटेटम को, वहाँ से लिक्विड फॉर्म में लिया। लिक्विड फॉर्म में लेने के बाद भी उन्होंने यही पाया कि अभी भी ये उतना ही इफेक्टिव है बैक्टीरिया पे उनको किल करने के लिए। फिर इन्होंने उसका सॉलिड फॉर्म लिया, सॉलिड फॉर्म में उन्होंने एंटीबायोटिक प्राप्त की जिसका नाम पड़ा पेनिसिलिन। ये उस समय बहुत ही एक बड़ी डिस्कवरी साबित हुई। तो ये होती है एंटीबायोटिक की पूरी कहानी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कैसे रिपोर्ट हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।